नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इस ऐतिहासिक बिल पर जो समर्थन दोनों सदनों से मिला, उसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इस आरक्षण विधेयक के पास हो जाने के बाद और इस पर जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से एक मुद्दे का जिक्र किया और उसमें बैकवर्ड्स के लिए इस 33% आरक्षण में व्यवस्था किए जाने की बात उन्होंने कही थी। राहुल गांधी पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। हालांकि इसके पहले उनकी पार्टी ने पिछड़े वर्गों के बारे में कितना सोचा है, हमने आपको वीके न्यूज में इसके पहले बताया। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी हर एक जनसभा में बयान दे रहे हैं कि तुरंत आरक्षण बिल जो पास हुआ है, आरक्षण लागू कर दिया जाए और ओबीसी के रिजर्वेशन पर सरकार विचार करे। इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस के साथ अब इंडी अलायंस के गठबंधन के सहयोगी भी इसी भाषा में बोल रहे हैं। विपक्ष की बात अगर करें तो ये मौजू है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और सबको पिछड़े वर्गों के वोट को पाने की चिंता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल है। उनकी फायर ब्रांड नेता रही और अभी भी फायर ब्रांड नेता हैं और कम से कम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखती हैं, उमा भारती। उन्होंने इस रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद एक बयान दिया है और वो बयान बार बार दोहरा रही हैं कि जो आरक्षण लागू किया जाएगा उसमें एक उप कोटा का निर्धारण हो जिसमें बैकवर्ड्स के महिलाओं की सीट आरक्षित की जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से पिछड़े कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के साथ पिछड़े जुड़े रहें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब फैसला लेना होगा और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में, चुनाव आने वाला है, मध्य प्रदेश में अभी से लागू कर देना चाहिए। की सूचना दूं? दुर्वासा सोचा कि दुर्वासा ऋषि का कोप झेल लेंगे, लेकिन अयोध्या को बचाऊंगी, पिछड़ों को बचाऊंगी, राम राज्य को बचाऊंगी। और आप चिंता ना करें मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बिगड़ेगा उसका जो कुछ बनाने का सोचता हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ छक के बैठा हुआ हो, 6 साल की उम्र से प्रसिद्ध हो गए, 20 साल की उम्र तक पूरी दुनिया घूमी आए, जब शादी की बात चली 21 से 27 के बीच में, तो बहुत अच्छे जगहों पर बात चल रही थी, मैंने ही मना किया, पहले हाँ कर दू फिर ना कर दू, ऐसा बहुत बुरा एक बात बरा दी लौटा दी और संन्यास ले लिया। उसके बाद में मिनिस्टर बनी, 11 साल चीफ मिनिस्टर बनी, और मैं हारी नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर से हटाया नहीं गया, मैंने खुद छोड़ दिया, फिर पार्टी ने निकाल दिया, फिर ले लिया। ये तो सब कुछ के साथ हुआ, येडियुरप्पा को निकाला लिया, कल्याण सिंह को निकाला लिया, बाबूलाल मरांडी को निकाला लिया, उगला निगला। तो इसलिए आपको बचाना है मुझे इस उगलने और निगलने के खेल से। बात ये है, इस उगलने और निगलने के खेल से मुझे आपको बचाना है। तो मुझे, मैं इतनी प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू ला नहीं पाया अंग्रेजी वाला, तो बोला यू आर कीपिंग वन आई ऑन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने कहा अरे भैया, दिस हैपेंड 20 इयर्स बैक, और तू मुझे वन आइट कह रहे हो, वन नॉट वन आइट, मेरी एक आंख नहीं, मेरी दोनों आंख है, मेरी दो आंख है, एक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगी, मैं क्या वो बनना चाहूंगी जो 20 साल पहले थी? मैं तो ये चाहूंगी कि राज्य वैसा चले जैसा हमने लोगों को प्रॉमिस किया, ये चाहूंगी। तो इसलिए मैं मीडिया से भी आज अपील करूंगी, आप बाकी मुझे खुद बुरा बोलिए, मैं गुस्सैल हूँ, घमंडी हूँ, बदमिजाज हूँ, लेकिन दो बातें नहीं बोलना। एक, मुझे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरी कोई नजर नहीं, तो मैं कोई जमीन नहीं तलाश रही हूँ, मेरी जमीन बहुत व्यापक है। भाजपा ने, सॉरी मुझे यहाँ अपनी बड़ाई करनी पड़ेगी, अटल जी के पास 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो किसी भी राज्य में जाके चुनाव जीत के आ जाते,
तो मैं यूपी में चुनाव जीत चुकी हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उत्तराखंड वाले भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ाइए, लेकिन अमित शाह जी ने तय किया कि नहीं यूपी से लड़ाइए। तो मेरा नजर तो अगले किसी तीसरे राज्य से चुनाव जीतने की है। मुझे तो शिवराज जी ने खुद कहा, आप पूछिए ना शिवराज कहा जाते हैं आज से दो साल पहले, लेकिन दीदी अपनी बार मध्य प्रदेश से लड़ना मैंने नहीं कहा, मध्य प्रदेश ठीक से चले इस पर नजर रखू कंट्रोल करूँ, लेकिन मैं तो अब तीसरे राज्य की तलाश में हूँ, तो इसलिए और चौथा राज्य और लड़ूंगी मिलता हूँ 29 में, क्योंकि अभी तो अपन को 75 का होने नहीं, 2035 आ जाएगी तो उनका भी बहुत टाइम है, 75 का होने में टाइम बहुत ज्यादा है, पता लड़ती हूँ। तो ना तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई जमीन तलाश नहीं है, ये जमीन ही अपनी बनाई हुई है, बहुत मेहनत करी थी ये जमीन बनाने में, जमीन पहले थी लेकिन बहुत जगहों से जमीन पर खेती का और खराब हो जाती है ना, तो फिर से रखनी पड़ती है, तो रखने का काम तो किया था ना। फिर उसके बाद में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उमा अगर ये बयान दे रही है तो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी स्वाभाविक हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और एक बार फिर अपने तमाम प्रयासों से शिवराज सिंह चौहान एक बार सत्ता पाना चाहते हैं। कांग्रेस टक्कर दे रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणाओं और जन नीतियों की बदौलत फिर से सरकार बना लेंगे, ऐसा उन्हें भरोसा है। लेकिन उमा भारती जैसी फायर ब्रांड नेता का इस तरह से बयान देना क्या मध्य प्रदेश की राजनीति या पूरे देश की राजनीति में एक हलचल पैदा कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल उमा भारती जो बोलती हैं उस पर वो तब तक चुप नहीं होती जब तक उसके लिए उनसे बात न की जाए या उनको मना न लिया जाए। सवाल यह है कि क्या उमा भारती को मनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की भाषा वो बोल रही हैं ऐसी बात और इस तरह के बयान तो कांग्रेस नेता ही कर रहे हैं या इंडिया अलायंस के अन्य धड़े कर रहे हैं। अब अगर इसमें उमा भारती की आवाज मिल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, और वो भी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें तो मुश्किलें बढ़नी स्वाभाविक है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उमा भारती अगर बराबर महिला आरक्षण बिल पर बैकवर्ड्स रिजर्वेशन पर बोलती रही तो फर्क पड़ेगा। वो क्षेत्र हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो हैं शिवपुरी, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और दतिया। यहाँ पर उमा भारती अगर लगातार अपने बयान पर कायम रहीं और जनसभाओं में या मीडिया के सामने बयान देती रहीं तो इसका असर पड़ेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि उमा भारती कुछ नाराज हैं। उनके नाराजगी का कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी को कहीं से अपनी दूरी नहीं बनाना चाहती और न उसको दूर रखना चाहती, क्योंकि हिंदुत्व तो सनातन की राजनीति वो करती रही हैं और इसके लिए जानी जाती रही हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही हैं, और इसके पीछे कारण है कि 4 सितंबर को जब जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी तो उन्हें अपेक्षा थी कि उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, ये उनके नाराजगी का कारण है। हालांकि उनके एक सहयोगी प्रीतम सिंह लोधी को मध्य प्रदेश के पिछोर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया गया है, जो उनके धुर सहयोगी माने जाते हैं। उनके भतीजे राहुल सिंह लोधी शिवराज सिंह चौहान में मंत्री हैं। उमा भारती को खुश करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अब वो बराबर पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को किस तरीके से न्याय मिल सके इसकी बात खुल करके करने लग गई है, और उनका ये मानना है कि हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्ग को कर देनी चाहिए, कर दी जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो पार्टी को नुकसान होगा। मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूंगी, और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा, इसमें इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे, और संशोधन में संशोधन हो सकता है,
क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन है। तो जैसे स्थानीय निकायों में और पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी का आरक्षण है, इसी प्रकार से इसमें भी 33% को 100 मान लिया जाए, 50 जनरल को छोड़ करके 27 ओबीसी को और 23 एसटी एससी को दिया जा सकता है। और इसमें घास भी हो सकती है कि कितना हो, लेकिन इस पे करना पड़ेगा, वो स्थिति लानी पड़ेगी, क्योंकि देश की पिछड़ी जातियों की ताकत बहुत बड़ी है, वो 60% है और उनमें इस विषय पर एकजुटता है। बात कुछ सही भी है कुछ हद तक, और ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी वो व्यवस्था हो नहीं सकती। 2029 के पहले जब तक डिलिमिटेशन और सेंसस की वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन प्रावधानों पर पूरा काम नहीं होगा, तब तक ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन उमा भारती चाहती हैं कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ही वो रिजर्वेशन जो किया गया है महिलाओं के लिए, उसमें एक उप कोटा बनाया जाए और बैकवर्ड्स की जो महिलाएं हैं उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएं। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो बयान दे रही हैं। सवाल ये है कि जितने क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, अगर उमा भारती बराबर इसी तरह का बयान देती रही तो मध्य प्रदेश में नुकसान हो सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी विशेषज्ञ मानते हैं। तो फिर किया क्या जाएगा? उमा भारती को मनाने की भी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य भूमिका होगी, और वो उमा भारती को अपना बहन मानते हैं। और उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के हटने के बाद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद शिवराज सिंह एक बड़ी लंबी मुख्यमंत्रित्व काल की यात्रा पूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में उमा भारती को मनाने का जिम्मा उन्हें सौंपा जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इस भूमिका में सिंधिया भी आ सकते हैं, क्योंकि सिंधिया गुट पर जब चर्चा होती है और मूल भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता जब सिंधिया गुट के किसी नेता का जिक्र करता है तो उमा भारती इससे नाराज होती हैं, और उमा कहती हैं कि जब सिंधिया बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके, भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार में वो मंत्री हैं, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नेता मानना चाहिए, कोई गुट की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उमा भारती को मनाने और शांत करने का जिम्मा दिया जा सकता है, और शिवराज सिंह चौहान भी इसमें भूमिका अदा करेंगे। और अगर ऐसा किया गया, उन्हें आश्वस्त किया गया, तो उमा भारती चुप हो सकती हैं, क्योंकि उमा भारती एक ऐसी नेता हैं जो अगर वो कोई बयान देना शुरू करती हैं तो फिर उसको चरम परिणति तक ले जाती हैं। वो तब तक वो बात करती हैं, उस पर फिर कोई लाग लपेट बिना वो बोलने लगती हैं। और इस बार वो महिलाओं के बैकवर्ड्स महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा दिख रही हैं, इसलिए वो बयान बराबर दे रही हैं। और उनके बयान और कांग्रेस नेताओं के बयान जब मिल जा रहे हैं तो इससे एक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्तर पर हितों की बात है। इसलिए उमा भारती से बातचीत की भी शुरुआत की जा सकती है, और उन्हें आश्वस्त भी किया जा सकता है, उन्हें दिल्ली भी तलब किया जा सकता है, ये भी खबरें हैं। फिर भी उमा भारती अपने बयान पर कायम हैं, और वो बराबर ये बयान दे रही हैं कि महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इसमें इस विमेन रिजर्वेशन बिल में उप कोटा बना करके बैकवर्ड्स महिलाओं की सीटों की आरक्षण की व्यवस्था हो जाए, और मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में ही उसे लागू कर दिया जाए। ऐसा संभव फिलहाल नहीं दिखता। शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई और मुश्किलें न खड़ी हों, इसलिए उमा भारती को समझाने बुझाने और एक सलाह देने की प्रक्रिया की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी, ऐसी खबर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर भी पार्टी विचार कर रही है और करना शुरू कर चुकी है। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या उमा भारती मान जाती हैं, और हाईकमान या शिवराज सिंह या ज्योतिरादित्य के समझाने बुझाने पर जो काम उन्हें सौंपा गया है, उमा भारती अपने बयानों को कांग्रेस के बयानों से मिलाकर नहीं बोलती हैं, ये सब सुनिश्चित हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा आगे स्थिति क्या होगी, वीके न्यूज उसकी जानकारी देगा। बहरहाल इस खबर और विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।